एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। टोटल 450 किलोमीटर की बाइक राइडिंग होने वाली है हमारी, जिसमें से 150 किलोमीटर पूरा हो चुका है बलिया से बनारस तक का। अभी हम बनारस से निकल चुके हैं चंदौली के लिए। चंदौली जाएंगे राजदरी वाटरफॉल और फिर वहाँ से हम गाजीपुर होते हुए बलिया जाएंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं बनारस से बाहर। कुछ ऐसा रास्ता है, देखिए ये रामनगर का किला है शायद। शायद यही है। कभी दोबारा आएंगे तो आपको यहाँ भी घुमाएंगे और दिखाएंगे। अभी हमारा टारगेट राजदरी के लिए है, जो चंदौली में है। पूर्वांचल का स्वर्ग कहा जाता है राजदरी और देवदरी वाटरफॉल को। ये रामनगर का किला ही है। तो कभी आपको आएंगे और यहाँ भी घुमाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। काफ़ी जाम लगा हुआ था। जाम क्रॉस करने के बाद हम आगे बढ़ चुके हैं। देख सकते हैं हाईवे पे बढ़िया है, बाइक से घूमना अच्छा लगता है हमें। और आप बने रहिए वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और बताइए कैसा लग रहा है वीडियो। ये दो दो ट्रक है भाई, कितना सुंदर व्यू है। मौसम पीला पीला एकदम, ब्लू ब्लू स्काई और सामने हाईवे, और हाईवे पे ये जो पीला पीला बॉर्डर बना हुआ है, लग रहा है जैसे किसी पीली पीली दुनिया में आ गया हूँ। कितना पीला लग रहा है, नहीं येलो येलो पूरा चारों तरफ। कोई फैक्ट्री है शायद। ये हम चंदौली के लिए जा रहे हैं दोस्तों। कितना लंबा पुल है, कब ख़त्म होगा? बस अभी ख़त्म होने वाला है। एक्चुअली बाइक मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, बाइक ड्राइव कर रहे हैं हमारे अरविंद भैया, इसलिए मुझे कैमरे को ऊपर से लगाना पड़ रहा है। मैं इनके पीछे बैठा हूँ और कैमरे को हाथ से पकड़ा हुआ हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। व्यू काफ़ी अच्छा है, दोनों तरफ खेत है। काफ़ी आगे आ चुके हैं हम लोग और मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मैं पहली बार जा रहा हूँ राजदरी वाटरफॉल के लिए। आप लोगों में से कौन कौन आ चुका है आप लोग बताइएगा ज़रूर। मैं तो एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं केवल वीडियो और फ़ोटो ही देखा हूँ उसका, कभी गया नहीं हूँ। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी। मौसम अच्छा है, काफ़ी धूप है एकदम चिलचिलाती हुई, लेकिन धीरे धीरे मौसम कंट्रोल में हो रहा है। कैमरे में हमने फिल्टर लगा रखा है, इस वजह से शायद आपको धूप उतना नहीं दिखाई दे रहा होगा। भाई गूगल मैप के अनुसार तो इधर से जाना है, फिर हम उल्टा ट्राई कर लिए थे। एक बार ट्राई किए उधर से, देखते हैं नज़दीक पड़ेगा, लेकिन गूगल मैप दिखा दिया कि घूम के हमें इधर ही आना पड़ेगा, इसलिए हम इधर से ही जा रहे हैं। गूगल बाबा के भरोसे आगे बढ़ना है। किसी गांव में हम, और गांव की छोटी सी नदी और ये छोटा सा पुल। भाई रोड काफ़ी टूटा फूटा है यहाँ। इधर हमें आने के बाद, थोड़ा गांव वाले एरिया में आने के बाद, हमें टूटे फूटे रोड अक्सर देखने को मिल गए हैं। हमारे बलिया में तो ऐसा रोड नहीं देखने को मिला, लेकिन इधर मिल रहे हैं। पता नहीं कौन सा ज़िला है ये, मिर्ज़ापुर है नहीं ये? अच्छा हाँ, ये रास्ता सीधा जाएगा चंदौली और पीछे ये रास्ता आ रहा है, ये सीधा आ रहा है मुगल सराय से। तो मुगल सराय से चंदौली के लिए ये रास्ता है। आप राजदरी या देवदरी वाटरफॉल के लिए आना चाहते हैं तो बनारस या मुगल सराय रेलवे स्टेशन से आराम से आ सकते हैं। ये अभी रोड जो है वो सीधा चंदौली जा रहा है और पीछे मुगल सराय से आ रहा है। गूगल मैप के सहारे हम जा रहे हैं, हम रोड देखे नहीं हैं, रास्ता देखे नहीं हैं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। अरविंद भैया पहले आ चुके हैं इधर। कितना अच्छा मौसम है ना, बादल लगा हुआ है, दोनों तरफ पेड़ है और ऊपर
आसमान बादल काफ़ी अच्छा लग रहा है। इधर कितना किलोमीटर है इधर से देवदरी? एक मिनट, 21 किलोमीटर। भाई अभी हमें 21 किलोमीटर और जाना है राजदरी देवदरी पहुंचने के लिए। बनारस लगभग 64 किलोमीटर था जिसमें से हम लोगों ने लगभग पार कर चुका है और 20-21 किलोमीटर अभी बाकी है। धीरे धीरे हमें छोटे छोटे पहाड़ दिखाई देने लगे हैं दूर दूर से। शायद आपको कैमरे में दिखाई दे रहे होंगे या नहीं दिखाई दे रहे होंगे, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। दूर दूर अभी दिखाई दे रहा है और हम लोग बढ़ रहे हैं उन्हीं की तरफ। मौसम काफ़ी अच्छा है, नीला नीला आसमान आप लोग देख सकते हैं, अच्छा लग रहा है। चलिए भाई एंजॉय करिए इस सुहाने सफर का। मौसम लाजवाब है भाई, मौसम किसको अच्छा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर हमारी किसी क्लिप का आप किसी वीडियो में यूज करना चाहें ना तो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग क्रिएटर हैं, अगर आपको कोई सीन अच्छा लगा हो और उसे यूज करना चाहें तो आप लोग यूज कर सकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, कोई कॉलेज ऐसा है नहीं, सीआरपीएफ कैंप था। इधर से कितना दूर है भाई, मैं देख लेता हूँ एक बार। पता नहीं, मैं देख नहीं पाया। कोई मार्केट है यहाँ पे? गूगल मैप के सारे जा रहे हैं इसलिए हम अभी लोकल एरिया को कवर नहीं कर रहे हैं, और हमें जाना भी है और आना भी है भाई। एक दिन में 500 किलोमीटर लगभग राइडिंग हमारी हो जाएगी, 450 तो गूगल मैप के हिसाब से जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो, और एक्स्ट्रा जो हम थोड़ा बहुत इधर उधर जाएंगे तो हमें लग रहा है कि 500 के आसपास चला ही जाएगा। और हमें जाना भी है, वापस भी जाना है, एक ही दिन में सारा प्लान था और बनारस में कुछ काम भी था इसलिए हम बीच में कहीं भी कोई भी दुकान पे नहीं रुक रहे हैं, कहीं कुछ भी कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पहुंचना है और वहाँ घूमना है, थोड़ा बहुत 1-2 घंटे एंजॉय करने हैं, फिर वापस बलिया भी जाना है और आज ही सारा करना है। अभी सुबह से तो अरविंद भैया ही बाइक चला रहे हैं, अभी मैंने नहीं चलाया है, थक जाएंगे तो मैं ले लूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी भैया ही राइड कर रहे हैं। आगे वीडियोस में आप देखेंगे मेरी राइडिंग मेरी बाइक से। अगर आप बलिया से हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आप अदर कहीं से भी हैं तो भी वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करिए, और राइडिंग पसंद है तो 1-2 ज़्यादा कमेंट करिए। ऐसे ही राइडिंग वीडियोस मैं कंटिन्यू अपने चैनल पर लाता रहूँगा। और बलिया वालों, मैं तो स्पेशली पूरा बलिया पहले घूम के दिखाऊँगा, बलिया का कोना कोना, अच्छे अच्छे गाँव और जितनी भी अच्छी अच्छी जगह हैं सब दिखाऊँगा। तो बलिया वाले तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। कितना मस्त जगह है भाई, शहर में चलो तो एकदम पूरा कंजेस्टेड, ट्रैफिक। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है। आसमान दिखाई दे रहा है, 1-2 गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, और पेड़ पौधे, हरियाली, नेचर और नेचर की खूबसूरती। कुछ दिखा? ये है चंदौली के पहाड़ों के नज़ारे भाई। बलिया वालों, गाजीपुर वालों, देवरिया वालों, मतलब मैं अपने तरफ के लोगों की बात कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ये जगह एक बहुत ही खूबसूरत हो सकती है कि आप एक दिन में आओ और घूम के अच्छे से एंजॉय करके जा सकते हो, क्योंकि हमारे आसपास में उतना कोई बढ़िया नेचुरल नेचर से रिलेटेड कोई बढ़िया चीज़ें नहीं है। तो ये एक अच्छा है कि इधर पहाड़ी एरिया भी आप घूम लोगे और वाटरफॉल वगैरह का एंजॉय भी कर लोगे और आराम से शाम तक घर चले जाओगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप 1-2 दिन स्टे कर सकते हो। वहाँ पे जाने के बाद हम आपको दिखाएंगे, वहाँ स्टे की भी सुविधा है, वहाँ पे एक रिज़ॉर्ट भी अवेलेबल है, 1-2 रिज़ॉर्ट
भी अवेलेबल है, रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, होटल्स भी अवेलेबल हैं। गूगल बाबा किधर किधर से लेके जाएंगे आप। चलो भाई, शायद अब हम ऊपर की तरफ स्टार्ट कर चुके हैं। ऊपर की तरफ कहने का मतलब कि राजदरी और देवदरी जो है ना, वो एक ऊपर पहाड़ के ऊपर है, तो रास्ता उधर मुड़ चुका है, वो सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहा होगा। बस अब हम उस पहाड़ के किनारे पहुंचने वाले हैं और वहां से सीधे हम उसके ऊपर चढ़ेंगे। और ऊपर का नज़ारा भाई देखने लायक होता है, आप देखोगे तो दंग रह जाओगे। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। दिख रहा है भाई इधर, नहीं हमें इधर जाना है, ये रास्ता सैदपुर को चला जाता है, बोर्ड पे लिखा हुआ था सैदपुर, तो ये सैदपुर पीछे की तरफ और आगे की तरफ राजदरी देवदरी वाटरफॉल। तो हम आगे बढ़ते हैं, सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बस बेसब्री से हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अरविंद भैया थोड़ा सा स्लो बाइक चलाते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी के पर्पस से, क्योंकि सुरक्षा ज़रूरी है, बट मुझे कंट्रोल नहीं होता है। आगे के वीडियोस में आप मेरी राइडिंग देखेंगे, कितना भी कम मैं चलूँगा तो भाई 100 के आसपास ही चलता हूँ, अगर मूड बना तो 150, 120, 130। अच्छा रोड हो तो, बुरा रोड हो फिर भी 60-70 से तो कम फीलिंग ही नहीं आती कि भाई हम बाइक चला रहे हैं। कितना मस्त जगह है भाई, देखो बीच में रोड और ये देखो दोनों तरफ पहाड़ और दूर। अभी हम ऐसे रास्ते पे पहुंचेंगे ना कि बीच में पहाड़ रोड है और दोनों तरफ पहाड़ एकदम किनारे किनारे से। कितना अच्छा लग रहा है, अभी दूर से ही देख के मुझे फीलिंग आ रही है कि भाई कब मैं पहुंचूं दोनों तरफ पहाड़ और बीच में मैं चलूं। कितना दूर है भाई, 21 किलोमीटर ही तो था, अभी तक नहीं पहुंचे हम लोग। ये छोटे छोटे पहाड़ अभी दिखाई दे रहे हैं हमें, कभी लेफ्ट में कभी राइट में, कभी लेफ्ट में कभी राइट में। ये जो नज़ारा है ना भाई, दिल खुश कर दे रहा है, ये धीरे धीरे एक तरह से अट्रैक्ट कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं कभी बादल लग रहे हैं, कभी नीला आसमान हो रहा है, कभी काले बादल दिख रहे हैं, लग रहा है कि बारिश होगा, फिर धूप हो रहा है, मौसम एकदम मजाक कर रहा है हमारे साथ भाई। ऊपर की तरफ हम स्टार्ट कर दिए हैं अपना पहाड़ पे चढ़ना, आप लोग देख सकते हैं अब असली मजा आ रहा है भाई, या क्या बात है। फर्स्ट टाइम हम पहाड़ पे बाइक से जा रहे हैं। ऐसे तो मैं कश्मीर वगैरह खूब घूमा हूँ, बट वो दूसरा फीलिंग था, यहाँ पे अपनी गाड़ी से फर्स्ट टाइम हम लोग बाइक से पहाड़ पे जा रहे हैं। कश्मीर की तो बात ही अलग है, कभी वहाँ भी बाइक राइडिंग करेंगे भाई, और ऑफ़र भी देंगे, मैंने प्लान करके रखा है माइंड में कि इधर मैं 10-20 राइडिंग वीडियोस जब कर लूँगा उसके बाद कश्मीर राइड करने जाऊँगा, और उधर जब जाऊँगा ना तो अपने व्यूवर्स में से किसी एक को लेके जाऊँगा। कितना ज़बरदस्त रोड है, पहाड़ पे हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, बहुत कम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अभी तक एक ही लोग मुझे दिखे अभी जो पीछे गए। एकदम सुनसान रास्ता है, तो थोड़ा इस चीज़ का भी ख्याल रखें, जिनको डर लगता हो वो थोड़ा सा इस बात का इस बात से सावधान रहें कि अगर हम अकेले जाते हैं तो हमें अकेले ही जाना पड़ेगा, रास्ते में कोई नहीं मिलेगा। तो आप लोग देख ही सकते हैं अभी तो इधर कम है, ऊपर जाने के बाद और ज़्यादा पहाड़ दिखाई देंगे, तब आप देखेंगे कि पहाड़ जंगल और बीच में आप अकेले, तो जो डरते होंगे वो थोड़ा सा सोच समझ के दो चार लोग के साथ हैं, बाकी सोलो ट्रेवलर तो जिंदाबाद। हम भी सोलो ही हैं, आज अरविंद भैया के साथ हैं, आगे देखिएगा एकदम ज़बरदस्त। बहुत सारी प्लानिंग है माइंड में, धीरे 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 करेंगे एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, सोलो ट्रेवलिंग, कैंपिंग, बहुत कुछ करना है, सोलो बाइक राइडिंग, पूरा वर्ल्ड घूमने का मेरा सपना है, शायद पूरा होगा, शायद नहीं पूरा ही होगा भाई, आज नहीं होगा 10 साल बाद होगा, इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके घूमेंगे। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा
तो आप लोग के साथ भी घूमेंगे। लेकिन मैंने प्लान एक बनाया है माइंड में कि आप लोग जो व्यूवर्स हैं, जो इतना देर तक मेरे वीडियोस को देखते हुए यहाँ तक आ चुके हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि अगर आप राइडिंग के शौकीन हैं, ट्रेवल के शौकीन हैं, तभी तो आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा। तो मैं एक माइंड में प्लान बना रहा हूँ कि कुछ महीनों के बाद जब मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद मैं, वैसे तो मेरा सपना है पूरा वर्ल्ड घूमने का, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ कि मैं कश्मीर जाऊँ और उधर के पहाड़ी एरिया को कवर करूँ, क्योंकि मैं पहले एक बार कश्मीर गया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। विंटर के टाइम में गया था और मैं दोबारा विंटर में ही जाना चाहूँगा, समर में भी जाऊँगा लेकिन विंटर में जाना चाहूँगा। और कोशिश रहेगी कि मैं बाइक राइडिंग करूँ, और बाइक राइडिंग करने के लिए या तो वहाँ पर रेंटल बाइक लेके करूँ या अपनी बाइक लेके जाऊँ। तो अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो आप लोगों को भी लेके जा सकता हूँ, आप लोगों में से किसी एक व्यूअर को मैं लेके अपने साथ जा सकता हूँ। अगर बाइक राइडिंग का प्लान नहीं हुआ तो फिर देखा जाएगा, रेंटल बाइक लेके ही घूमेंगे, लेकिन बाइक राइडिंग तो करना ही पड़ेगा भाई, बिना बाइक के मज़ा ही नहीं आएगा। अब क्या होता है शेयरिंग टैक्सी में ना, कि एक स्टॉप से आप चढ़े तो फिर नेक्स्ट स्टॉप पे उतरे, बीच का सब कुछ छूट जाता है। और बाइक राइडिंग में आपको जहाँ मन करे वहाँ पे आप देख सकते हो, घूम सकते हो, आपका जो मन करे वो कर सकते हो, मतलब आपके पास फ्रीडम रहता है भाई। नज़ारा देखो कितना खूबसूरत है, धीरे धीरे बारिश के फुहारे भी आ रहे हैं, हमें फील हो रहा है क्योंकि आप लोग देख सकते हैं बारिश आ चुकी है, और हल्का 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 फील अभी ज़्यादा ही होने लगा, अभी भाई छुपना पड़ेगा क्योंकि पहाड़ों पे बारिश हो जाती है अक्सर, थोड़ा बहुत अचानक बारिश शुरू हो गई है। अरविंद भाई मोबाइल निकाल रहे हैं, अरे साइड में मोबाइल, ओहो जल्दी है ये, अरे भीग जाएंगे आइए, पानी दिया गया, बारिश हो रहा था और दो मिनट में ही बंद हो गया, अचानक शुरू हुआ और अचानक बंद हो गया। इस दुकान पर थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हुआ, आप मुझे पानी वाली पिए, अभी हम निकल रहे हैं आगे की तरफ। क्या नाम है चैनल का, नाम बता दीजिए। काफ़ी दिनों से बोल रहा था, सेवा डाली नेटवर्क है ना, यहाँ लिख लीजिए व्हाट्सएप व्हाट्सएप गूगल आप जो जी पे मान लगा आपके कहा ये अपलोड करवा लो ना भैया, हाल शुरू किया ना ना पहले से बटे कहाँ कर ट्रैकर सिवा ट्रैकर मानो जी का ले लिया, देखा जी नहीं आ जाइए भैया हैं, क्या नाम है आपका? अर्पित, अर्पित, अर्पित अमित, अर्पित भैया हैं, अमित भैया हैं, साथ में मिले अभी हमारे न्यू सब्सक्राइबर बने, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए भैया, हमने नवा बोल दिया। कौशल, कौशल, हाँ ये कौशल भैया हैं, हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं। एक और भैया आ गए, अपना नाम आकाश, हाँ ये आकाश भैया हैं, ये भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए चैनल पर देखिएगा आप लोग, ट्रैकर सिवा, ट्रैकर सिवा आ जाएगा, सर्च करिएगा। भैया आदित्य, आदित्य, ओ आदित्य भैया हैं, एक और नया न्यूज है, एक और चैनल है राधिका फिल्म क्रिएशन, इसको आप सर्च करिएगा भैया, उसके प्रोड्यूसर हैं, एक फिल्म है बॉलीवुड की फिल्म है, हिंदी फिल्म, 21 तारीख को आ रही है, 21 तारीख को उस पर रिलीज हो रही है। अच्छा, अब यूट्यूब पर कहीं रख दा, ये सब अच्छे भाई लोग हैं, गाजीपुर से आए हैं घूमने के लिए, हम लोग बलिया से आए हैं और रास्ते में मिल गए और अच्छे खासे हमारे सब्सक्राइबर बन गए। तो कैसा लगा भैया आप लोग हम लोग से मिलके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, हमें भी काफ़ी खुशी हुआ आप लोगों से मिलके, हमें भी। तो मिलते हैं फिर चैनल के कमेंट बॉक्स में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, बाय बाय। हमारे अच्छे खासे कुछ सब्सक्राइबर मिल गए और रास्ते में लोग मिलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, लोगों से मिलना अच्छा लगता है। थैंक्स भाई लोग गाजीपुर वाले, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, ऐसे ही हमें सपोर्ट करिए, वीडियो में ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि हम जान सकें कि आप भी थे। अभी हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है।
कितना प्यारा रोड है, एकदम ज़बरदस्त वाला, एकदम सुहाना सफ़र। एकदम ऊपर की तरफ लोग जा रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है, खूबसूरत लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। भाई जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है।